इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा टास्क करूंगा जिसका मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी डिमांड है और बहुत सारे दोस्तों ने जो है उसका डिमांड किया था। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लेकिन यह टास्क मुझे अभी शो हुआ है तकरीबन वीडियो अपलोड होने के बाद या बनाने के बाद, और ये टास्क मैं अभी आपके सामने करने लगा हूँ। सो ये टास्क देखें कौन सा टास्क है जी। तो हम टास्क के ऊपर गए जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हमने जो कैटेगरी है वो किसी किस्म का कैटेगरी हमने नहीं सिलेक्ट किया, बल्कि हमने ऑल कैटेगरी किया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऑल फ्रीक्वेंसी के में जो है वो आप एवरी 1 आवर करेंगे। तो जैसे आप एवरी 1 आवर करेंगे तो आपके सामने ये टास्क शो हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये वही टास्क है जिसका तذکرہ मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था। तो ये वाला टास्क है, तो इसको हम क्या करते हैं, व्यू करते हैं। तो जैसे हमने इसके ऊपर व्यू किया है, तो अब ये जो है मैं स्टार्ट करता हूँ जी टास्क। अब स्टार्ट टास्क मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे उसने मुझे बोला है कि ओपन क्रोम ब्राउज़र एंड सर्च। अब मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने लगा हूँ, यानी गूगल ओपन करने लगा हूँ। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब वो कहता है कि यहाँ से आपने ये वाला UIDAIPrint.in इसको आपने कॉपी करना है या वैसे उसमें लिख लेना है, तो इसको आपने यहाँ पे रिसर्च करना है। तो मैंने इसको रिसर्च कर लिया। एंटर करें या आप ऐसे कर दें। तो उसके बाद जो उसने कहा है कि अब जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने 1 मिनट के लिए उसको विज़िट करना है। तो सबसे पहले टाइम देख लें, 10:02 हो चुके हैं और ये वाला पहला लिंक आ चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद हम जो है इसके ऊपर 1 मिनट के लिए स्टे करेंगे। अब स्टे करने के दौरान जो है वो आपने क्या करना है, आपने पेज को ऊपर नीचे करना है। जैसे आप पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो गूगल यही समझेगा कि ये एक ओरिजिनल बंदा है जो इस वेबसाइट पे आया है, और जो भी एडवर्टाइज़र जिसने आपको ये टास्क दिया हुआ है उसकी तरफ से ये नहीं कहा गया, बल्कि ये ओरिजिनल विजिटर है और ये जो विजिटर है ये वाकया ही वेबसाइट से कुछ चीज़ तलाश कर रहा है। यानी गूगल को लगेगा कि ये जेन्युइन बंदा है, हालांकि आपको टास्क मिला हुआ है। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे स्टे करेंगे। उसके बाद अगली हदायत उसकी देखते हैं कि कौन सी हदायत है। ये मैं आपके सामने सबमिट करने तक जो है ये अप्रूव करूँगा, ठीक है। अब तकरीबन 1 मिनट हमें होने वाला है, और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा मैं आपके सामने जो हूँ वो दिखाता हूँ आपको कि आपको कैसे करना है जी। तो तकरीबन ये यहाँ पे देखें नीचे टाइम देखो तो ये 3 मिनट हो चुके हैं, यानी मुझे 1 मिनट हो चुका है। तो मैं अब जाऊँगा और इसका जाके अगला जो प्रोसेस है वो रीड करता हूँ। नंबर 3 पे लिखा है ओपन वेबसाइट इन 10 टैब्स, नो ओपन फ्रॉम लिंक। कहता है कि लिंक से ओपन नहीं करनी बल्कि आपने टैब से ओपन करनी है। तो ये जो इसके टैब्स हैं, होम टैब है, एक हम ये क्लिक कर लेते हैं, दूसरा हम ये क्लिक कर लेते हैं, तीसरा हम अबाउट अस, चौथा कॉन्टैक्ट अस, पांचवा लॉगिन कर लेते हैं, छठा कर लेते हैं जी रजिस्टर, और सातवां कर लेते हैं फॉरगेट। अब ये 7 टैब हमारे पास खुल चुके हैं। अब जो है हम नीचे चलते हैं सब पे, तो हम पॉलिसी वाला 8वां टैब ओपन कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन वाला 9वां, और रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी का हम 10वां। या हमने 10 पेजेस जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। जैसे हमने 10 पेजेस ओपन कर लिए हैं, अब हम देखते हैं कि हमें और क्या ये बोलता है। कहता है ओपन वेबसाइट इन 10 टैब्स, नो ओपन फ्राम लिंक। लिंक से ओपन नहीं करना बल्कि आपने टैब से 10 पेजेस ओपन कर लिए हैं, हमने कर लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे कहता है कि जस्ट ओपन दी वेबसाइट बाय सर्चिंग एज इन स्टेप 1। कहता है कि अब आपने वेबसाइट को उसी तरह खोलना है जैसे आपने पहले स्टेप में खोला था। तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गूगल टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे गूगल टाइप किया है तो हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे UIDAI.print.in। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे जी रिसर्च। जैसे हम इसको करेंगे यहाँ पे रिसर्च, तो बिल्कुल पहले स्टेप की तरह ये रिसर्च होगी। अब यहाँ पे फिर मैं जाके इसको राइट क्लिक करके न्यू ओपन कर लूँगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये देखें जी,
आपके सामने दोबारा से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हम इसकी जो आखिरी है वो पढ़ते हैं कि आखिरी इसकी एक्टिविटी क्या है। सेंड हिस्ट्री स्क्रीनशॉट ऑफ द क्रोम ब्राउज़र एंड इंस्टेंट पेमेंट। कहता है कि अब आपने क्रोम की हिस्ट्री जो है वो मुझे सेंड करनी है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो पेमेंट दे दूँ। तो अब मैं आपके सामने क्रोम की हिस्ट्री की स्क्रीनशॉट लेने लगा हूँ। तो आपने ये मैं एक पेज खोल लेना है, न्यू पेज खोलना है और यहाँ पे चले जाना। आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये हिस्ट्री नज़र आएगी। हिस्ट्री के ऊपर आके आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी ये वाली जो हिस्ट्री है ये बन चुकी है। अब मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ये देखें कि मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है। डेट टाइम भी आ गया इसमें। नीचे की तरफ देखें अगर आप, अब इसको मैं नंबर दूँगा 20 वाला, तो 20 वाला नंबर मैंने दे दिया है ताकि स्क्रीनशॉट जो है वो उसको सेंड की जाए। अब हम अपने पहले पेज पे आएंगे और ब्राउज़ इमेज करेंगे। ब्राउज़ इमेज करने के बाद यहाँ पे हमने 20 जो थी वो स्क्रीनशॉट ली थी। अब ये 20 स्क्रीनशॉट है। आप अगर इसको हाईलाइट करें तो करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही सेंड करें। अब यहाँ पर कहता है कि ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दी। Add this task to my favorite। तो यहाँ पे हम छोटा सा चेक लगाएंगे और इसको सबमिट कर देंगे और इसके साथ ही ये हमारा टास्क जो है वो सबमिट हो जाएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे ये भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस शहर में बैठ के देख रहे हैं। और अगर किसी किस्म का कोई आपको सवाल बनता है तो कमेंट बॉक्स में वो भी कीजिए ताकि मैं उसको भी क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं सबमिशन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा टास्क जो है वो पेंडिंग में लग चुका है या नहीं। तो सबमिट हो चुका है जी ये टास्क। ये देखें आपके सामने मैसेज लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर देखें तो ये पेंडिंग लग चुका है जी। ये देखें जी, ये पेंडिंग लग चुका है। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।